ज्यादा यम्मी लग रहा है। मेरे पेट में तो अभी से गुड़गुड़ हो रही है। देख कितनी टेस्टी सी कड़ी। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज होली के एक दिन पहले छोटी हो रही है, आज छोटी हो रही है और आज हम लोगों को बनानी है गुजिया। और कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रेस है वो इतनी पुरानी है और अब पहनी जा रही है। सोचो पता नहीं क्यों पहन परी कर रही है, आटे में मोए लगाने का काम कर रही है और लग रहा है कि परी ने ना आटा भी खा लिया है। देखो जरा साफ करो इसे और सही में मत खा जाना वरना कम पड़ेंगी मटरी। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, दाल थी वो फुलाई थी और उसको भी अभी पीसना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो इसलिए अब शुरू हो जाती हूँ मैं काम में क्योंकि शाम को टाइम से फिर गुजिया बन जाएंगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वही बहुत लेट हो जाएगी। वैसे तो एक दिन पहले बन जाती है बट अभी टाइम नहीं मिल पाया, बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो अब तैयारी हो रही है दही बड़ी बनाने की और मैंने दाल पीस ली है और पीसने के बाद मैंने फिलहाल तो इन्हें रख दिया है और जो मटरी का आटा था वो भी मैंने गूंद दिया है और बनाया है। और क्योंकि वो बहुत अच्छे सॉफ्ट वगैरह हो जाते हैं और मूंग की दाल के बस इसलिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि थोड़े से मतलब क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ी सी बादी होती है बट मूंग की दाल बादी नहीं होती है और फायदेमंद भी होती है, बहुत अच्छी जल्दी पच भी जाती है। बट फिर भी मैंने क्योंकि ज़्यादातर लोग दही बड़े वगैरह जो होते हैं वो उड़द की दाल की ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और बच्चा बाटी जो है आटा जो मैंने गूंदा मटरी बनाने के साथ साथ लड़ाई भी बिल्कुल बरकरार है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दे रहे हैं अभी, रुझो बता रही हूँ मैं कैसे करना है। मतलब जब तक लड़ाई ना हो तब तक बात कैसे बनेगी, कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है कि बिना लड़ाई के बच्चे कोई काम कर लें। तो लड़ाई भी प्रॉपर वे में है और काम भी प्रॉपर वे में है, सब लगे पड़े हैं। मैं भी जा ही रही हूँ डीप फ्राई करते जाके क्योंकि गुजिया बनानी है क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वही मेन मतलब पकवान होता है। तो दीदी 7:30 बजे तक का टाइम दिया है दीदी ने तो वो भी आने वाली होंगी, मतलब अभी तो हमारे पास टाइम है, 2 घंटे है अभी हमारे पास। तो दीदी ने कहा है क्योंकि आटा दीदी ही गूंदेंगी आके क्योंकि मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है दीदी को शायद, इसीलिए हम लोग भी इंतजार करते रहते हैं। और बहुत अच्छे से वो मोइन वगैरह लगा के उसका आटा गूंदेंगी आके फिर पूरी जो पूरी पलटन है ना वो सब के सब एक साथ मिल के फिर बनाएंगे और फिर मजा आता है। तो चलो मैं सबसे पहले फ्राई करने लगती हूँ। तो अब मैं भी थोड़ी सी मदद करा देती हूँ क्योंकि मटरी मुझे भी मिलेगी क्योंकि मुझे गुजिया नहीं अच्छी लगती, मतलब ऐसा रीजन नहीं है कि क्यों नहीं अच्छी लगती पर पता नहीं कि मेरा खुद से मन नहीं करता है खाने का क्योंकि मीठी होती है पर मुझे भी मीठी नहीं पसंद आती, मतलब परी को भी पसंद नहीं है, नीचू को भी पसंद नहीं है। परी ने तो तब भी बचपन में थोड़ी सी एक दो खाई है बट पता नहीं क्यों नहीं खाती है, सही लगता है ऐसे। हाँ मतलब शौकीन नहीं है, शौकीन नहीं है बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। दीदी लोग घर पे पहले जब मैं छोटी थी तो मम्मी लोग भी बहुत ट्राई करते थे कि शायद मैं खा लूँ क्योंकि सब लोग खाते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो अपने लिए तो मटरी है ना तो वही अब भाई दही बड़े भी हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ वो तो सबको पसंद है। और निशू परी को तो वो इतने पसंद है ना कि अगर देते जाओ खाते चले जाएंगे, पर पहले एक टाइम था जब उन लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। भाई निशू सही से बैठो भाई, कंफर्टेबल नहीं होगा। देखो मैं अपनी फ्रेंड से खेल रहा हूँ, और इनका बेलन तो देखो, इनका बेलन देखो, ये देखो ये अपने टॉय का बेलन निकाल के ले आए जब इनको कुछ नहीं मिला। पर इसको थोड़ा सा बड़ा करो, पतला करो, बहुत ज्यादा पतला नहीं, नहीं तो फिर वो पिछली बार परी ने बहुत सारी बनाई थी, बहुत सारी परी ने ही बनाई थी, लगी पड़ी थी क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए ये लोग खुद ही बना लेते हैं, बट मुझे लगता है कि बेचारे करते हैं तो इसलिए मैं भी बना लेती हूँ। क्या हुआ? कौन पटक रहे हो ना तुम? पटको नहीं, प्यार से बनाओ, वो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ अच्छा सा तरीका बताती हूँ। हाँ तो यही ले लो अंदर है, किसमें से इधर कर लूंगा, चलो ला पहले मुझे लो।
ईशु ने कितनी प्यारी बनाई है, माय गॉड। हमने भी बनाई है। अच्छी ने, हाँ नहीं, परी ने भी बहुत अच्छी बनाई। परी ने क्रेडिट लेते हैं नहीं ये कोई? क्या आपका क्रेडिट ना बेकार है? ये मम्मी आपके खराब हो गए। मम्मी आपके खराब हो गए। अच्छी बनाई है। खराब हो गए ये। फेंक दो। क्यों क्यों फेंक दो? पागल हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पकेगा तो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर मैं आपको फिर भेज ही दूंगी। फिर मैं तो सोच रही हूँ भाई, एक्सपेरिमेंट मत करो। क्या कर रहे हो ये? क्या कर दिए तुम्हारा? इतने ही नहीं बना अभी तक? नहीं, ये दीदी मुझे देंगी भी। अब लग लो। वैसे लग तो सही रहा है, पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तुम्हारा तो एक ही नहीं, तीन चार बन जाएंगे ना? पाँच छह सात आठ। नहीं देखो, बताती हूँ। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर साइड साइड से करो ना तो पूरा पूरा आ जाएगा। देखो ऐसे, फिर इधर ऐसे, इस तरीके से बनाओ। तल दो। मतलब आधा कट गया, सॉरी। कोई बात नहीं, तल दो। इसके बाद मैंने जो दही बड़ी के लिए दाल पीसी थी उसको मैंने फिर जल्दी से मतलब उसकी पकौड़ियाँ बनाने शुरू कर दी, क्योंकि फिर शाम हो ही रही थी धीरे धीरे करके। और थोड़ी सी पकौड़ियाँ फिर बनने के बाद मैंने क्या करा था, इमली वगैरह भिगा रखी थी मैंने पहले ही, और फिर थोड़ी सी पकौड़ियाँ और कॉफ़ी मैंने दी थी इनको, क्योंकि इनको बहुत पसंद है जो मूंग की दाल वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं, जिसे मंगौड़ी भी शायद बोलते हैं, तो वो मैंने खिलाई और इनको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को भी दी। फिर पूरा ये सब होने के बाद फिर मैंने मटरी फटाफट डीप फ्राई की, क्योंकि धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता चला जा रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं कितनी जल्दी कर लूँ मतलब फटाफट। तो दही बड़े वगैरह तो हो ही चुके थे, चटनी भी पकी रही थी क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारे लिए है। अरे लगा के देखो नहीं, ऐसा ऐसा ये देखो भाई, दूल्हे का चेहरा मलिंगा। मैं जा जुड़ेगी, मेरे जुड़ा सही कर दो अपना। नहीं तो सही है, देने वो देखो भाई बच्चे के अंदर जी। अरे वाह निशु, तुम यही लोगे पिंक वाली? क्या हो रहा है? एक वाली, एक वाली लगा के दिखाओ मम्मी को। वाओ, ये तो पिटी गर्ल आ गई, सो क्यूट मेरी प्यारी सी। ओ बाबी गर्ल हो गई, दूल्हे का चेहरा। तुम लगा के दिखाओ परी, मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा बालों की तरफ होगा ना ये ऐसे? ओ और मैं कैसा लग रहा हूँ? आप तो बहुत ज्यादा ही रॉक लग रहे हो। वाओ कुछ खा के आता हूँ मुझे। अच्छा, अच्छा मेरे पीछे पीछे भाई परी ने जो बनाया है तो उसको खाना तो बना। कोई बात नहीं। हाय हाय, नाटक मंडली सारी फोटो खिंचाने के लिए काम कर रही है। पर निशु भैया बना रहा है गुजिया बड़ी मन से। अच्छा प्रत्युष बना रहा है, ये अपना में सरप्राइज है। प्रत्युष कभी नहीं बनाता है शायद। रिशु नहीं बनाता है फिर? अच्छा रिशु नहीं बनाता है? वो नहीं बनाते, नहीं तो मैं बनाते हैं।
बट निशु बड़ी मजे से बना रहा है। हमारे पास ये लो। हाँ लो भाई लो, मम्मी को अपनी शूटिंग में दिखा दे। आपके हाथों से कितना लग रहा है। अच्छा वो हैवी लेम जो मैंने बनाया। हाँ कला मेलन कुछ भी तो दो। वही तो दीदी दीदी एक्स्ट्रा ऑर्डर लेता है। एक्स्ट्रा ऑर्डर लेता देखो नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डर लेता बड़ा हो जाएगा। चल चल कर देखो निशु कितने मन लगा के काम कर रहा है बेचारा। बेल भी रहा है और लोई भी बना रहा था। कितना काम करता है मेरा बेटा। ये दोनों हमने किराए में बुलाए हैं। इन दोनों को हमने किराए में बुलाया है। देख कितने कितने पैसे लोगे तुम लोग। कितने कितने पैसे लोगे। चलो नहीं मेरी चाचू आइसक्रीम लाए ना वो मिल जाएगी। खराब हो जाती वो छवि वो काम मैं करती हूँ। तू चल जल्दी कर जल्दी करो भाई जल्दी करो। बड़ा जैव नहीं के 12 बज गए। पाओ ये सो जाओ। तो मुझे सोन कौन दे रहा तो हमने तो ये देखो दवा खा लिया। सुनो सुनो ये देखो सबको ये ऋतिक रोशन दिखाती हूँ। प्रतिष्ठा दिखाना हमारे देखो ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन से हेलो को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज होली है मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने खूब धूम धड़ाके से होली मनाई होगी और हम सब लोग भी बस बिल्कुल तैयार हैं होली खेलने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ पापा के पास। दीदी से तो मैं मिल ली पर अभी मैं पापा के पास जा रही हूँ तो उनका आशीर्वाद लेने। अभी बाद में खाइएगा थोड़े से अभी ठंडे हैं तो अभी सबसे मस्त मेरे ने याला वाला लगा। मुझे याला चीज मस्त लगी। फाउंटेन स्मोक ये वो है एक कह लो पटाखों की तरह इनको जलाना होता है। देख दे परे मुझे तो बम से डर लगता है। परे रहने पता चला ऐसी फूट जाए। भाई मुझे तो बम से बहुत डर लगता है।